गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 16 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना सिंह सक्सेस मंच पे आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं देश दुनिया और स्पोर्ट्स इकोनॉमी में क्या नया हुआ आज के दिन। इसके अलावा मेंस की जो सीरीज चल रही है पेपर 1, 2, 3, 4 वो मेरे चैनल पर बिल्कुल भी देखना मत भूलेगा। और व्यूवर्स जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। तो ये हमारे दिए हैं मध्य प्रदेश ने ये दर्जा हाल में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और बांध की बात करें तो बाणसागर बांध सोन नदी पे, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही यहाँ पाया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपके जीएस पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीआई टैग की बात करते हैं तो यहाँ चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब यहाँ के जीआई टैग हैं। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन। हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जून को, मतलब जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 को ये 11 जून को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण मंत्रालय का यहाँ नाम चेंज कर दिया और उसका नाम कर दिया है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की डिटेल देख लेते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री इनके योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कौन हैं? तो ये बन गए हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान की ऑलराउंडर है शाहिद अफरीदी, तौकीर उमर और जफर सरफराज के बाद नोवेल वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SVNIT को कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है 54th स्थान। MHRD की फुल फॉर्म होगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 54th स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष ये संस्थान 58th पोजिशन पे था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को किस वर्ष की उम्र में हाल ही में मुंबई में बांद्रा में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है? तो उनकी एज थी इस समय 34 ईयर्स। और 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने भी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं हमारे चिली की स्वास्थ्य मंत्री।
दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, इन्होंने इसमें कोरोना वायरस के 1.67 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं 3,101 लोगों की मौत भी यहाँ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा है मारवी रेलवे स्टेशन। इन्होंने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और नाम बदलने के इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं समझ पा रही हैं। उमर मारवी की प्रेम कथा पर पाकिस्तानी फिल्म 12 मार्च 1956 को भी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू करवा दी है? तो ये की है बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश ने ऑनलाइन उपलब्धता प्लाज्मा की शुरू करवाई है और बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 71,000 को पार कर चुकी है, जिनमें 975 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज के करंट अफेयर इतना ही। होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।